नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मोदी से आगे निकल गए शाहरुख खान। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पछाड़ दिया है। दरअसल शाहरुख के फॉलोअर्स की संख्या 1.6 करोड़ पहुंच गई है। देश में किंग खान से ज्यादा फॉलोअर मेगास्टार अमिताभ बच्चन के हैं, वहीं मोदी के 1.58 करोड़ फॉलोअर हैं। शाहरुख 3 जनवरी 2010 को ट्विटर से जुड़े थे और वह काफी सक्रिय भी है। वह लगातार अपने परिवार की खास तस्वीरें, पसंदीदा फिल्मों से जुड़ी यादें और कविताएं, यहाँ तक कि अपने मन की बात भी साझा करते रहते हैं। दिवाली के उपहारों में ऑनलाइन कूपन देने का चलन बढ़ा। दिवाली नजदीक आने के साथ ही उपहार देने के चलन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग उपहार में मिठाई और मेवे देने की बजाय ऑनलाइन कूपन देना पसंद कर रहे हैं, ताकि उपहार प्राप्त करने वाला व्यक्ति बाजार से अपने पसंद की चीजें ले सके। डिजिटल गिफ्टिंग सॉल्यूशंस केवल स्टार्टअप्स या नई पीढ़ी की कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े उद्योग घराने भी अपने कॉर्पोरेट गिफ्ट के लिए ई कूपन को अपना रहे हैं। इन एप्स और कूपन का इस्तेमाल किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कंप्यूटर या मोबाइल पर किया जा सकता है और ये सभी तरह के संगठनों में लोकप्रिय हो रहे हैं। बिहार में नहीं चला मोदी का जादू, नीतीश की बंपर जीत। सभी एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए नीतीश कुमार नीत महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत राजग को करारी शिकस्त दी है। विकास के मुद्दे पर भारी रहा जातिवाद और प्रांतवाद का मुद्दा। जहां मुस्लिम और यादव वोट को लालू ने पकड़ रखा, वहीं नीतीश ने सुशासन का हवाला देकर जंगल राज के मुद्दे की हवा निकाल दी। बिहार के 243 सदस्यीय सदन में 178 सीटें जीतकर महागठबंधन ने जहां अपना किला मजबूत किया, वहीं अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी एनडीए के हाथ सिर्फ 58 सीटें ही लगी।